अब आगे बढ़ते हैं बॉम्बे। बॉम्बे गेन मोर प्रोमिनेंस देन सूरत एज हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। बॉम्बे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई सूरत के कंपैरेटिवली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको अपना हेडक्वार्टर के तौर पे बनाया। इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑन द सी शोर हेल्प्ड इट टू बिकम एन इम्पॉर्टेंट नेवल बेस। क्योंकि समुद्र के किनारे था इसलिए ये इनके लिए नेवल बेस के तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ी। फिर कैलकटा, द ब्रिटिश एस्टेब्लिश फोर्ट विलियम टू फोर्टिफाई देयर पोजेशंस इन कैलकटा। कलकत्ता के अंदर इन्होंने अपना फोर्ट बनाया फोर्ट विलियम, ताकि वो अपने इस पूरे एरिया को फोर्टिफाई कर सकें, इसको पूरे एरिया को घेर के रख सकें और अपने आप को अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकें। आफ्टर द ब्रिटिश वन द बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी जीता, कैलकटा बिकेम द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर कलकत्ता भी इनका हेडक्वार्टर बन गया। By the regulating act of 1773, the governor of Calcutta was made the governor general of India and the governors of Madras and Bombay were made subservient to him. उसके बाद regulating act बनाया गया 1773 का, जिसकी वजह से जो governor of Calcutta था उसको governor general of India declare कर दिया गया और Madras और Bombay के जो governors थे वो उसके under में आ गए। फिर Calcutta remained the British capital till 1911 तक कलकत्ता अंग्रेजों की कैपिटल बना रहा। मद्रास, इन 1658 मद्रास बिकेम अ प्रेसिडेंसी एंड ऑल फैक्ट्रीज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट वर प्लेस्ड अंडर इट्स सुपरविजन। मद्रास 1658 तक अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी था और यहाँ पर 1658 में स्टार्ट हुआ ये, और कोरोमंडल कोस्ट पे जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो सब इनके सुपरविजन में थी। इसके बाद आते हैं हम पोर्ट टाउन्स पर, जो कि समुद्र के किनारे हैं, जो कि पोर्ट्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किए गए। अमंग द पोर्ट टाउन्स मसूलीपट्टनम एंड सूरत वर द इम्पॉर्टेंट वंस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट के लिए थे मसूलीपट्टनम और सूरत। सूरत वॉज अ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया इन मसूलीपट्टनम। सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने अपनी मसूलीपट्टनम में बनाई थी और सूरत जो था इनके ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हिल स्टेशंस, द ब्रिटिश सेटअप मेनी फेमस हिल स्टेशन सच एज मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी एंड डलहौजी। ये कुछ फेमस हिल स्टेशन हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। ये इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए बनाए थे, क्योंकि यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड जो है, वो कंपैरेटिवली यहाँ से काफ़ी ठंडा है, तो यहाँ की गर्मी में इनके लिए सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाता था, इसीलिए इन्होंने अपने कम्फर्ट के लिए नॉर्थ साइड पर ही हिल स्टेशन डेवलप करे। These were developed to enable them to work in cooler climates. The tea and coffee plantations in Assam and Kerala led to the emergence of plantation town. उसके बाद tea and coffee plantation Assam, Kerala इधर शुरू किया, जिसकी वजह से ये plantation towns के तौर पर develop हुए with distinct urban features और काफ़ी शहरों वाली सुविधाएँ भी यहाँ पर दी गई। मैनी कंटोनमेंट टाउन्स ऑल्सो डेवलप, वो एरियाज जहाँ पे बेसिकली आर्मी पुलिस वगैरह इनके लिए होते हैं। कंटोनमेंट टाउन इज़ एन एरिया अंडर द आर्मी विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय देम एज अ सेपरेट बॉडी एंड हाउस्ड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। ये बेसिकली ब्रिटिश आर्मी के लिए एरियाज बनाए गए थे। These included Meerut, Kanpur and Lansdowne. ये तीन areas हैं जो कि ज़्यादा prominently British Army के लिए develop किए गए थे, Meerut, Kanpur and Lansdowne. Lansdowne आपका नैनीताल के पास में पड़ता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आगे बढ़ा। द ब्रिटिश रूलर्स रियलाइज दैट चीप एंड ईजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वॉज एन नेसेसरी फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स टू फ्लो इन टू मार्केट। अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि सस्ता और आसान तरीके का ट्रांसपोर्टेशन इनको चाहिए, ताकि वो ब्रिटेन से बनने वाले सामान को इजीली इंडिया में ला सके, उसको सेल आउट कर सके, एंड फॉर इंडियन रॉ मटेरियल्स टू बी सेंड टू इंग्लैंड, और इसके अलावा यहाँ से रॉ मटेरियल इंग्लैंड पहुँचाया जा सके फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन दीज एरियाज, इसीलिए इस साइट पर काफ़ी ध्यान दिया गया। मेजर सिटीज़, पोर्ट्स एंड मार्केट्स ऑफ कंट्री वर लिंक बाय रोड्स, और इसीलिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट शहरों को, पोर्ट्स को, मार्केट्स को अच्छी खासी सड़कों के साथ में कनेक्ट किया गया। द फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने ओपन फॉर ट्रैफिक इन 1853, और इसीलिए सबसे पहली जो ट्रेन रूट थी बॉम्बे से थाने वो स्टार्ट की गई इंडिया में 1853 में। द ओपनिंग ऑफ रेलवे सिस्टम बेनिफिटेड इंडियन एवरीवन, फिर रेलवे सिस्टम की वजह से हालांकि सबको ही फ़ायदा हुआ। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस फाउंड एम्प्लॉयमेंट इन द लेइंग ऑफ ट्रैक्स। ये रेलवे जब स्टार्ट हुई तो ट्रैक्स को ले डाउन करने में काफ़ी लोगों को काम मिला। मूवमेंट ऑफ गुड्स, कार्गो बिकेम फास्टर एंड चीपर।
इंडियंस बिकेम मच मोर मोबाइल. अब इंडियंस आराम से इधर से उधर ट्रैवल कर सकते थे एंड मेनी सोशल टैबूज वर ब्रोकन बिकॉज ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर. और जो बहुत सारी पुराने इनके धारणाएँ थी ऊंच नीच वाले कि हमें इस जात के साथ में नहीं बैठना है, हम बातचीत नहीं करेंगे, वो चीज़ें काफ़ी ख़त्म हो गई क्योंकि अब लोग साथ में ट्रैवल कर रहे थे. द ब्रिटिश ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड एन एफिशियंट एंड मॉडर्न पोस्टल एंड टेलीग्राफ सिस्टम. नई तरीके का पोस्टल टेलीग्राफ सिस्टम भी इनकी तरफ से लाया गया. द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा वॉज ओपन्ड इन 1853. सबसे पहली टेलीग्राफ लाइन जो थी वो कलकत्ता से आगरा स्टार्ट हुई 1853 में. लॉर्ड डलहौजी ऑल्सो इंट्रोड्यूस पोस्टेड स्टैम्प्स और इसी के साथ पोस्टल स्टैम्प्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस किए गए जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए थे. अब आज के ज़माने में कई लोगों की सोच ये है कि ब्रिटिश ना होते तो हम शायद इतने मॉडर्न नहीं होते, मॉडर्नाइजेशन नहीं होता. तो मैं आपको बहुत सिंपल से ये क्लियर कर देती हूँ कि हमारा पैसा हमारे ऊपर ही यूज़ किया गया है और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया गया था, इसलिए हमें मॉडर्न नहीं कराया, उन्होंने अपने काम के लिए इस्तेमाल करा. अगर वो नहीं होते तो जो टेक्नोलॉजी दुनिया में डेवलप हो रही है क्या हम अडॉप्ट नहीं करते या हम इंट्रोड्यूस नहीं करते नई चीज़ें अगर हम गुलाम नहीं होते? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा था तो कि हम चीज़ें अवेलेबल कर सकते थे. तो अगर ये सब नहीं होता तो शायद हम कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते. इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि अंग्रेज रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे मॉडर्नाइजेशन के लिए. पब्लिक वर्क्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वर इम्प्रूवमेंट्स इन सिविक फैसिलिटीज़ इन सम मेजर इंडियन सिटीज़. अंग्रेज़ों के टाइम पर काफ़ी सारे जो जन जन की सुविधाएँ होती है, सिविक फैसिलिटीज़ होती है इंडियन सिटीज़ में, वो काफ़ी इम्प्रूव हुई. जैसे पाइप्ड वाटर सप्लाई, घर तक पाइप से पानी पहुंचना, स्ट्रीट लाइट्स, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, साफ अच्छा पानी घरों तक नल के द्वारा पहुंचाना, ड्रेनेज, पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स वर सेटअप इन लार्ज सिटीज मेनली इन द कैंटोनमेंट्स एंड सिविल लाइंस. अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज बिगेन टू बी सेटअप फ्रॉम 1881 टू लुक आफ्टर सिविक प्रॉब्लम्स. फिर अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जैसे म्यूनिसिपैलिटी होती है वो स्टार्ट की गई ताकि सिविक प्रॉब्लम्स को वो देख सके शहरों के अंदर. दे प्राइमरी लुक आफ्टर कलेक्शन ऑफ लोकल टैक्सेस. इनका काम लोकल टैक्स कलेक्ट करना भी होता था, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, रिमूवल ऑफ गार्बेज, कचरा रिमूव कराना, सड़कों की मेंटेनेंस, प्राइमरी एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ, इन पे ध्यान देना. फिर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लोकल गवर्नमेंट्स बनाई गई. द कॉर्नवालिस कोड 1793 गेव लीगल फॉर्म टू द कॉम्प्लेक्स मेजर्स दैट कॉन्स्टिट्यूटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश इंडिया. कॉर्नवालिस कोड बना 1793 में जिसकी वजह से एक प्रॉपर सिस्टम स्टार्ट हुआ किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाएगा लोकल गवर्नमेंट का, ब्रिटिशर्स के अंडर में ये कैसे काम होगा. द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोकल रेवेन्यू कलेक्टर्स थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया गया. पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉर्ड कॉर्नवालिस एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम अ रेगुलर पुलिस फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर ही पहली बार पुलिस को ये काम दिया गया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का कि रेगुलर ये आपके हाथ में रहेगा. द इंडियन पीनल कोड वॉज ड्रॉन अप इन 1860 और इसी के साथ पहला इंडियन पीनल कोड बना 1860 में अंडर लॉर्ड मैकॉले. दिस कोड चार्टेड आउट वेरियस कैटेगरीज ऑफ क्रिमिनल्स. यहाँ पे क्रिमिनल्स को कैटेगराइज किया गया. फर्दर द इंडियन पुलिस एक्ट, फिर उसके बाद 1861 में पुलिस एक्ट बना, मार्क द फाइनल चेंज फ्रॉम द मुगल सिस्टम टू द ब्रिटिश राज. यहाँ पर आते आते मुगल सिस्टम अब कम्प्लीटली ब्रिटिश राज में कंट्रोल कन्वर्ट हो चुका है. गुड टू नो. देखते हैं, द सिटी ऑफ लंदन हैज ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. इन द 19th सेंचुरी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन विक्टोरिया लंदन वॉज अ प्रॉस्पेरस सिटी विद एक्सीलेंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क. क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे 19th सेंचुरी के अंदर ही लंदन एक काफ़ी प्रॉस्पेरस, काफ़ी रिच सिटी थी, काफ़ी अच्छा इसका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क था. यहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेन्स वगैरह स्टार्ट हुई थी कनेक्टिंग इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किंगडम जो कि अलग अलग एरियाज को कनेक्ट करती थी. इट वॉज द हार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और ये ब्रिटिश एम्पायर का हार्ट हुआ करती थी लंदन. टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लंदन अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा नंबर वन या नंबर टू पर रहता है, अभी रिसेंटली नंबर टू पर आ गया, पहले नंबर वन पे था. The main objective of the police reforms under the Indian Police Act was to set up a uniform and effective police administration in India. A main objective police reform ka yahi tha ki ek proper uniform jo police administration ka system isko apply kiya jaye. The police force was arranged under local government. Local government ke under mein kaam karegi and police administration extended to all districts. Uske alawa har district tak ye police administration pahunchaya jayega. Thanas with darogas were set up. Thane banaye gaye jisme
दरोगाज थे। द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वॉज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये जो पोस्ट थी ये पहली बार इसी टाइम पर बनाई गई थी।